हेलो दोस्तों, टेक एंड ट्यूट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे जो है किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट की असाइन कर दे, ताकि जब भी हमको ज़रूरत हो डायरेक्ट हम कीबोर्ड से प्रेस करें और वो ओपन हो जाए। यानी बार बार उसको क्लिक करना और ढूंढना ये सब ना करना पड़े, शॉर्टकट किट से, शॉर्टकट की से जो है अपना ओपन कर लें जो सॉफ्टवेयर बार बार यूज़ में लगते हैं। तो सिंपली मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो हम मान लीजिए ये प्रोग्राम है एक्सेल, राइट क्लिक करते हैं, इस पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है यहाँ पे शॉर्टकट की। शॉर्टकट की आप ऑल्ट कंट्रोल के साथ ही कुछ भी बना सकते हैं। जब भी आप कुछ भी इसमें प्रेस करेंगे तो ऑल्ट कंट्रोल के साथ ही। अब ऑल्ट कंट्रोल हमने दबाया और मान लीजिए ई दबा दिए एक्सेल के लिए, तो ये ऑल्ट कंट्रोल ई जो है आपका शॉर्टकट हो गया। सिंपली इसको दबाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करें और ओके करें। चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं अभी शॉर्टकट की दबा रहा हूँ, ऑल्ट कंट्रोल ई। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है। तो ओपन हो चुका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।